हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने में क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, उसको आप गौर से सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ट्राई टू एक्ट अपॉन इट, ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आती है सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने के लिए, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है कि हम सीना ताल में खड़े जाए किसी के सामने, नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कि जो आपको आता है या जिस चीज में आपको महारत है या जो कुछ आप जानते हैं उसको आप दिलेरी के साथ बोलिए, उस पर आपको कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये चीज है तो है, किसी से डरना नहीं। जब आप बात बोलें या किसी से क्वेश्चन करें हेजिटेट मत हो। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी, यानी खुद के अंदर, यानी खुद एतमादी, खुद के अंदर सारी चीजें हों। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर आप पढ़ाई की बात ले लीजिए तो आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, एक टॉपिक पर जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे तब जाकर के ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है और 4 साल भी लग सकता है, लेकिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, ये बहुत जरूरी चीज है। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं सेल्फ कंट्रोल। क्या है सेल्फ कंट्रोल? सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये कि आपको खुद पर कितना एतमाद है, आपको अपनी जिंदगी में, आपको आपकी जिंदगी जो चल रही है आप उसको कैसे जी रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आपको पढ़ना है, क्या आप दिन में डेली पढ़ रहे हैं? क्या जो आपने टाइम स्लॉट कर रखा है, जो आपने टाइम दे रखा है, क्या आप वो टाइम उस चीज को दे रहे हैं? अगर आपको मान लो डेली 1 घंटा पढ़ना है, क्या आप वो 1 घंटा कंसिस्टेंटली दे रहे हैं उसको? क्या वो 1 घंटा उसके लिए निकाल रहे हैं? आपको बुरी आदतें जो होती हैं, बैड हैबिट्स, उस पर आपको कितना कंट्रोल है? आपको अपनी, अपने दिमाग पर, अपने मेंटल पर, अपनी बॉडी पर, अपनी हैबिट पर कितना कंट्रोल है? क्या आप वो चीज कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए? नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट सेल्फ कंट्रोल। ओके, सेल्फ कंट्रोल इज बेसिकनेस। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट होता क्या है? देखिए, आप हमेशा एक, जो आपका एक नॉर्मल जिंदगी होती है, नॉर्मल सी लाइफ होती है, उस जैसा रहने की कोशिश कीजिए। होता नहीं है, देखिए जिंदगी है, यहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बहुत रहता है, लेकिन नेगेटिविटी पॉजिटिविटी भी क्या होती है, ओवरकम हो जाती है, उस पर गालिब आ जाती है। ठीक है, तो हमें बनने की कोशिश करना है, जैसे बोलते हैं ना, बनने की कोशिश करना है। नेगेटिविटी आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें ये देखना है कि हम पॉजिटिविटी को हमेशा आगे रखें। वो कोशिश तो करेंगे, आप ये भूल जाओ, आप ये सोचो कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, ऐसा नहीं हो सकता। परेशानियां आती हैं, आप समझ लो, आप एक बिजनेस में लगाए, आपको सबसे पहले आप किसी से मशवरा लेने जाओगे, आपको ये कहे इसमें ये बहुत ज्यादा ये है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे, इसमें बहुत सारे लोग, मैंने पैसा फंसाया था। हर एक की जिंदगी अलग अलग होती है, हर एक के सोचने का, समझने का, मेहनत करने का तरीका भी अलग होता है। ठीक है, तो हर एक की जिंदगी को अपनी जिंदगी में क्यों अप्लाई करते हैं? एक बंदा है वो सोते सोते पैसा कमाता है, एक बंदा है वो टिकटॉक पर वीडियो बनाया फेमस हो गया, अब आप लाख कोशिश कर रहे हो, लाख कोशिश कर रहे हो, एक बंदा है इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, उसने उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया, अब आप ये सोचो कि हम भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, तो आपको उस जैसा बनना पड़ेगा।
कोई YouTube से पैसा कमाता है, कोई ब्लॉग बना के पैसा कमाता है, कोई ब्लॉग बना के पैसा कमाता है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, हम मशवरा देना शुरू कर देते हैं, इसमें इतना पैसा है, इसमें इतना पैसा है। आप देखो आपका क्या इंटरेस्ट है, फिर क्या होता है कि आप दूसरे उस चीज में फील्ड में घुसते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप जब कोई मशवरा लेने आता है उसको आप सिखाते हो कि नहीं भाई इसमें इतने नुकसान है, इसमें इतने फायदे हैं, इतने नुकसान है। क्यों भाई, हर एक की जिंदगी अलग अलग है। तो हमें पॉजिटिव थॉट रखना है, एक्चुअल लोगों के पास पहुंचना है ताकि वो एक्चुअल चीजें हमें बताएं। हमें लोगों को ऐसे लोगों के पास जाना जो हमें गाइड कर सके, जो हमें नेगेटिव थॉट ना दे। हमें ऐसे सराउंडिंग बनाने हैं, ऐसे दोस्त बनाने, ऐसे सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स फॉलोअर्स बनाने हैं जो हमें पॉजिटिव थॉट्स दें। नहीं तो हमारी जिंदगी क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव में रह करके पिस जाएगी और हमें कुछ मिलेगा नहीं। सीधी बात, मैं अपनी बात बताता हूं। अब मैं एक दिन लाइव हुआ इंस्टाग्राम पे, अब एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं क्वेश्चन ऐसे तैसे दिया लेकिन दिया। अब वो उसको मैं फेस टू फेस करना चाह रहा था तो आया। अब उसे मुझे क्या नेगेटिव थॉट देने शुरू किए कि अभी आप नए हो और लाइन मत आया करो, आपका मोराल डाउन हो जाएगा, आप सही से लाइव फिर बाद में लाइव नहीं आना पाओगे, लोग आपको खुद वो मुझे नेगेटिव थॉट दे रहा था। तो आपको ऐसे सर्कल नहीं बनाने, आपको सर्कल अच्छे बनाने होंगे जो पॉजिटिव थॉट दें, आपको किताबें ऐसी पढ़नी होंगी जो पॉजिटिव थॉट्स दें। और आपसे मैं बता रहा हूं ऐसे न्यूज चैनल आप चुनिए जो आपको सच बताए, जो आपको मिसगाइड मत करे, मिसलीड मत करे। तो नेगेटिविटी आएगी लेकिन हमको उसको पॉजिटिविटी पर नहीं आगे ले जाने देना है, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में दोनों चीजें हैं, दिन है और अंधेरा है। लेकिन हम अपने माइंड को चेंज करें, गलत लोगों से मशवरा ना लें, अच्छे लोगों से मशवरा लें, ओके। उसके बाद मैं उसके बाद ऑप्शन है सेल्फ अचीवमेंट, सेल्फ अचीवमेंट। अब सेल्फ अचीवमेंट होती क्या है, आप बताइए, ओके आप बताइए, ओके। सेल्फ अचीवमेंट ये होती कि आपने क्या हासिल किया अब तक की जिंदगी में, उसको आप सोचिए कि यार मैं कर सकता हूं, मैंने इतनी चीजें हासिल की हैं, आगे क्यों नहीं, या आगे आगे हासिल करने का इरादा कीजिए, गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल कि मुझे ये चीजें हासिल करनी है। एक स्पेशलाइजेशन होता है, आप उस पर स्पेशलाइज होइए, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या होता है कि आपको अपनी जिंदगी में मालूमात हासिल करनी होती है, नॉलेज लेनी होती है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है, उसके लिए लोगों से मिलना पड़ता है, उसके लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। सेल्फ अचीवमेंट जो आपने की उसको अपने दिमाग में रखिए कि अपना मोरल मत डाउन कीजिए कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं होता। आपने बहुत कुछ हासिल की होती है लेकिन आप सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता आपके, आपको उसको भी देखना है और आगे गोल बना करके अचीवमेंट लाना है, नए नए अचीवमेंट हो। अचीवमेंट क्या होते हैं, थोड़ी सी भी चीजें हो सकती है ना, किसी को खुश करती होगी अचीवमेंट है। आपका शॉर्ट टर्म गोल था, आपको मान लो मुंबई जाना था किसी काम के लिए, वो भी एक अचीवमेंट है। आपको वीडियोस बनानी थी यूट्यूब पे, आपने बना दी, डेली एक बना दी, वो भी अचीवमेंट है। जरूरी नहीं कि अचीवमेंट का मतलब है हमें कप मिले, मिलेगा कप लेकिन आने एक टाइम आएगा उसके बाद आपको कब मिलेगा। आपको किसी को समझाना था, आपने समझा दी, आपको एक किताब पढ़नी थी, आपने किताब एक हफ्ते में पढ़ ली, एक महीने में पढ़ ली, वो भी एक अचीवमेंट है। हम थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट को क्यों नहीं समझते कि बस हमें सोचते हैं कि लोग हमें जाने, हमें फॉलोअर्स होंगे, वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हम शुरू कहां से करेंगे, छोटी छोटी अचीवमेंट से, उसको हम समझे, रियलाइज करें। होता क्या, देखिए अगर आपने एक वीडियो बनाई, आपने उसको अपलोड कर दिया, 3 महीने तक वीडियो बनाते रहे, आप उसको अचीवमेंट नहीं समझ रहे, आप ये समझ रहे इसमें लाइक आए, इसमें शेयर आए, इसमें कमेंट्स आए, लोग मुझे देखे, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, वो एक अचीवमेंट भी है।
लेकिन जो आप बना रहे हैं ना, ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक अचीवमेंट का एक हिस्सा है। उससे आप उसको आप समझिए, उसको आप रियलाइज कीजिए। अगर नहीं रियलाइज करेंगे आपको टेंशन होगा, ओके? आप नहीं रियलाइज करेंगे आपको टेंशन होगा। उसके बाद मैं बात करता हूं गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स, ओके, व्हाट इज गुड हैबिट्स, टेल मी, ओके, यू ना, गुड हैबिट्स, वेरी नाइस। गुड हैबिट्स एक्चुअली होती क्या है? गुड हैबिट्स ये आपका मुस्कुराना, गुड हैबिट्स ये कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो, गुड हैबिट्स ये कि आप टाइम पर सोएं और टाइम पे उठें, गुड हैबिट्स ये कि आप अपने आप को डेली इंप्रूव करें फिजिकली, मेंटली, नॉलेज में, ओके? आप गाली से बात मत करें और शराब, तंबाकू, टुबैको इन सब चीजों की आदत मत डालें। छोटों पर शफकत करें, बड़ों का एहतराम करें, ओके? और गुड हैबिट्स आपके अंदर, देखिए अब फिर मैं बता रहा हूं, गुड हैबिट्स आती नहीं है, गुड हैबिट्स लाई जाती है। क्या मैंने कहा? गुड हैबिट्स आती नहीं है, गुड हैबिट्स लाई जाती है, और बैड हैबिट्स लाई नहीं जाती, बैड हैबिट्स आ जाती है। समझ रहे हो बात? एक्चुअली मैं बता रहा हूं, आपको पढ़ने के लिए जाना कहां पड़ता है? टाउन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ओके? लेकिन आप वहां जाते क्यों हैं? टू लर्न, कुछ नया चीज लाने, कुछ नई चीज सीखने, हैबिट सीखने, अपनी जिंदगी को बदलने। उसके लिए आप क्या करते हैं? पैसा खर्चा करते हैं, टाइम खर्चा करते हैं, अपनों से दूर रहते हैं, ओके? और अगर आप कॉलेजेस, आप यूनिवर्सिटीज आप नहीं जाते हैं, तो आपकी सराउंडिंग क्या है? आप देखिए जरा, आपकी सराउंडिंग में लोग कैसे कैसे लोग हैं। अगर एजुकेटेड लोग हैं, आप एजुकेशन में माहिर हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं बता रहा हूं इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेजेस नहीं जाते, यूनिवर्सिटीज नहीं जाते हैं, आप उनकी जिंदगी को और अपनी उन बच्चों की जिंदगी को जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जा चुके होते हैं, कंपेयर कीजिए। क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिलता है, माहौल मिलना इन द सेंस उनको वो माहौल नहीं दिया जाता है, तब जाकर के वो बैड हैबिट्स के शिकार होते हैं। क्योंकि बैड हैबिट्स ना हर जगह फैली हुई हैं, गुड हैबिट्स उनको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुड हैबिट्स कम लोगों में है, लोग एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं। अब बच्चा देखेगा तो वो भी चुगलखोरी करना शुरू कर देगा। अब एक बच्चा मेरे साथ रहता है, अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं शराब पीऊं, अगर सिगरेट, लोगों को गाली दूं, तो वो बच्चा भी वही हैबिट सीखेगा ना, क्योंकि उसको वो सराउंडिंग नहीं मिली या वो नहीं दी गई। तो आप सोचिए, गुड हैबिट्स लाई जाती है, आती नहीं, और बैड हैबिट्स आ जाती है, उसको लाई नहीं जाता, ओके? आपके दोस्तों ने आपको कहेंगे, अरे चल यार खा इसको, खा लोगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपकी आदत पड़ जाती है, या फिर खरीदना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप सराउंडिंग, गुड हैबिट्स बनाना है तो आपके सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, ओके? आप क्या पढ़ रहे हैं उसको भी अच्छी होनी चाहिए। तो मेंटल थॉट का सही होना भी जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारा दारो मदार होता है, यहीं से सारी चीजें वर्क करती है, जो भी चीजें वर्क करती है। सोचिए और समझिए। उसके बाद आता है वर्क एक्स्ट्रा, वर्क एक्स्ट्रा। अब वर्क एक्स्ट्रा में होता क्या है आप बताइए? जो आप काम कर रहे हैं उसे थोड़ा सा आता है, ये थोड़ा ज्यादा क्या होता है, आपकी जिंदगी को इंप्रूव करता है। आप महीने में 25 वीडियो बनाते हैं, 26 वीडियो बनाती है ना, क्या दिक्कत है? आप महीने में 2 बुक पढ़ते हैं, 3 बुक पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? आपको फायदा ही तो होगा। आप और टाइम में करते क्या है? अपनी सोने की जिंदगी को, जो आप सोते हैं रात में 8 घंटा, 9 घंटा, उसको थोड़ा कम कर दीजिए ना, 1 घंटा कम कर दीजिए, इसको पढ़ाई में लगाइए। दिक्कत कहां आ रही है ये तो बताइए ना। जो एक्स्ट्रा काम करता है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है ना, वो जिंदगी में मैंने उसको देखा है
बूम बूम कर जाता है भाई, नो वन स्टॉप, नो वन स्टॉप, कोई उसको रोक नहीं सकता। जिंदगी सोचिए कैसे हम अपनी जिंदगी को यूटिलाइज करें, क्योंकि हमें आखिरकार इसका जवाब देना होगा। अगर अपनी जिंदगी को यूटिलाइज नहीं किए सही तरीके से तो वॉट इज राइट। पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर शुरू कर दीजिए। कहीं काम करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दीजिए, कोई भी चीज एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिए। एक्सपर्ट, ये बहुत लंबी टॉपिक है, इस पर मैं किसी दिन बात करूंगा आपसे। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट में होता क्या, आप एक्सपर्ट बनने किसी चीज के, आप इकोनॉमिक आपको आते हैं एक्सपर्ट बनिए, आपको यूट्यूब पर वीडियोज बनाना आता है आप एक्सपर्ट बनिए, आप यूट्यूब पर वीडियो बनाइए एक्सपर्ट बनिए। एडिटिंग ऐसी की जाती है, एडिटिंग ऐसी की जाती है, थंबनेल ऐसे लगाया जाता है, ब्लॉग ऐसे बनाए जाते हैं, वीडियो क्वालिटी ऐसी होती है, जिस फील्ड में आप हैं उसमें अच्छा, उस लेवल का आपके आपके लेवल का कोई होना, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो बैडमिंटन में हो, चाहे जिस फील्ड में, ट्राई टू बी एक्सपर्ट, स्पेशलाइजेशन पैदा कीजिए, एक्सपर्ट बनिए, ताकि लोग आपको देखें कि हाँ ये बंदा इस चीज में एक्सपर्ट है। आपको इंस्टाग्राम पे आना है, आप इंस्टाग्राम की चीजों उस पर मार्केटिंग कैसे करते हैं, उस पर लोगों से एंगेजमेंट कैसे होते हैं, एक्सपर्ट बनिए। आपको यूट्यूब नहीं आता, यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, एक्सपर्ट बनिए, तो लोग आपके पास आएंगे। वीडियो मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनिए, कोई भी काम कीजिए एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आती है लीडरशिप। लीडरशिप दो तरीके से इसको डिवाइड कर देता है। एक लीडरशिप वो होती है जो एक कहीं का बादशाह होता है, वो एक लीडर होता है। सऊदी के ले लीजिए, इंडिया का ले लीजिए, कहीं का भी लीजिए, जो वहां का लीडर होता है, वहां का पॉलिटिशियन भी एक लीडर हो गया, उसको लीडर कह देते हैं। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो ना हो वो बात की बात है, बन गया तो बन गया। अब एक लीडरशिप जो हमें अपने अंदर लानी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं लीडरशिप यहां से शुरू होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, सेल्फ कंट्रोल से। सेल्फ कंट्रोल का लीडरशिप में बहुत ज्यादा रोल होता है। लीडर मतलब टू लीड वन सेल्फ और अदर। अब एक रेवड़ देखते हो, जो रेवड़ को हांकता है पीछे से, राई बोलते हैं उसको, तो वो क्या करता है, लीड करता है। कोई अगर रेवड़ का कोई बकरी उधर जाती है तो उसको इधर से करके सीधा ले जाता है। आपको भी सीधे जाना है, लीड करना है अपने आप को। आप फाइनेंशियली वीक हैं, लीड टू बी रिच। आप पढ़ने में कमजोर हैं, लीड टू बी गुड एट इन रीडिंग इन एजुकेशन। आप कम्युनिकेशन स्किल में कमजोर हैं, अपने आपको लीड कीजिए टू कम्युनिकेशन, टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। आप राइटिंग में टू लीड योर सेल्फ टू राइट द ब्लॉग। और लीडरशिप आती कब है, लीडरशिप आती कब है, इसके लिए टाइम लगता है। क्योंकि आप देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई बच्चा होता है तो उसे कुछ आता नहीं है। उसको लीडरशिप क्वालिटी लाने के लिए उसको बहुत सारी चीजें होती हैं। उसका रोल कब आता है, बाद में। पहले किसका रोल आता है, पेरेंट्स का आता है, उसके बाद घर वालों का आता है, उसके बाद उस थोड़ा बड़ा होता है उसके फ्रेंड सर्कल का आता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो किसका आता है, स्कूल का आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है कॉलेज का आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है यूनिवर्सिटी का आता है। उसके बाद क्या, उसका दिमाग, उसका इमोशन, उसके थॉट, वो उसको लीड करती है। तो हमें उन चीजों को ओवरकम करना है। कैसे, पॉजिटिव थॉट ला करके, ओके, सेल्फ अचीवमेंट ला करके, गुड हैबिट्स ला करके, इन सब चीजों को ला करके उसको क्या करना है, ओवरकम करना है और अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी पैदा करना है। तभी ना ये इतने नंबर पे क्यों आया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवें नंबर पे क्यों आया, क्यों, क्योंकि वर्क एक्स्ट्रा, हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा जो होता है लीडरशिप की क्वालिटी होती है, क्योंकि अपने आप को लीड कर रहे हो ना,
लीडरशिप वही होता है जो अपने आप को भी लीड करे, किन चीजों से, बुरी चीजों से, बुरी आदतों से, किस तरफ, अच्छी चीजों की तरफ, वो अच्छी चीजें जो उसके काम आएंगी इन फ्यूचर। समझ आ रही ना बात है। उसके बाद है सोल्यूशन। सोल्यूशन होता क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस इश्यू, टू सॉल्व द सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम को, किसी इश्यू को, किसी मसले को हल करना। अब दो चीजें आपके सामने आ गई, ठीक है, वर्क एक्स्ट्रा और नॉट, आपको 9 घंटे सोना है या 8 घंटे, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलो 8.5 घंटे सो लेते, आधा घंटा पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। आपके सामने दो चीजें आ गई, दो मसले आ गए, सुनो, सोचो, समझो, डिसाइड, सॉल्व। आपकी जिंदगी को किधर ले जाना है, इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, यू हैव टू सॉल्व इट, क्लियर कट। आई एम टेलिंग यू मैन, 100% यू हैव टू बी अ सॉल्वर, जस्ट ओके। उसके बाद है ड्रीम मेकर। ड्रीम मेकर दिन में ख्वाब देखने से नहीं होता, बट ड्रीम के साथ जब एक्शन लगता है ना, तब जाकर के आगे बात बनती है। तो ड्रीम मेकर हमें कैसे बनना है, सो करके या एग्जीक्यूट करके, वो आप पर डिसाइड करता है। लेकिन सोचिए, सोचिए कि मुझे ये बनना है, सोचिए मुझे पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन बनना है, सोचिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, सोचिए मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है जो लोगों को लीड करे। ओके, देखिए मैं आपको बता रहा कि आपकी जिंदगी में अगर फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर थॉट नहीं है, फ्यूचर ड्रीमिंग नहीं है, यू आर मीनिंगलेस, क्लियर कट। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने चीज देखी, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, ठीक है, आजकल की जिंदगी है, सोशल मीडिया है, नेट है, लोग वायरल हो जाते हैं, जिनके अंदर क्वालिटी होती है वो क्या करते हैं, उस वायरलिटी का फायदा उठा करके उसको मैनेजमेंट करते हैं, उसको मैनेजमेंट करके वो सक्सेस होते चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है ना कि हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है, हमें करना क्या है, सारी चीजें इन रिटर्न होती है, वो करते चले जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, वायरल हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ होता नहीं है, बस जो ही वायरल हो गए, तो वो क्या करते हैं, वायरलिटी का फायदा नहीं उठा पाते, वो कुछ नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि यहां पर वो मार खा जाते हैं ड्रीम मेकिंग में। तो आपको ड्रीम मेकर होना चाहिए, और उस ड्रीम के साथ साथ उस पर आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, एक दिन आपको इसी ड्रीम आपको क्या करेगी, या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी तो आप सक्सेस जाएंगे और अपने आप को लीड कर सकेंगे, लीड द ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर एचआर, अगर आप बॉस है किसी कंपनी के, आप उसको लीड कीजिए ना, ये तो लीडरशिप है। तो ड्रीम जरूरी है। तो हमने जो सारी चीजें देखी, सुनी, समझी और पढ़ी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, पॉजिटिव थॉट, सेल्फ अचीवमेंट, गुड हैबिट्स, वर्क एक्स्ट्रा, एक्सपर्ट, लीडरशिप, सॉल्यूशन एंड ड्रीम मेकर, ये क्वालिटी अगर आप हम अपने अंदर पैदा करेंगे, देन वी विल बी सक्सेसफुल पर्सन। ओके, तो दोस्तों बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ओके, दैट्स इट।